देखिए फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? और देखिए, अपराजिता तो मोस्टली सभी घरों में लग रही है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि प्लांट्स पर फ्लावर नहीं आ रहे। हर कोई प्लांट्स लगाता है तो फ्लावर के लिए ही लगाता है कि उस पर फ्लावर है। अगर आपके भी फ्लावर नहीं आ रहे तो उसका क्या कारण हो सकता है? एक तो उसको फुल सनलाइट नहीं मिल रही है। आप उसको फुल सनलाइट में रखें जिससे आपके फ्लावर आ जाए। उसके बाद उसको एनर्जी ड्रिंक, जो कि देखिए एनर्जी देते हैं, वो ड्रिंक नहीं मिल रही। तो आज मैं उस ड्रिंक के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देती हूँ। आप प्याज के छिलकों को 3 से 4 दिन तक पानी में भिगोकर रखें, उसे छानकर अगर आप गमलों में डालते हैं तब आपके प्लांट्स का क्या रिजल्ट रहता है, वो चीज़ मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ये देखिए मेरी टहनी निकलने लगी और इस पर आप इस तरह से देखिए कितनी बडिंग स्टार्ट हो गई है। एक ही टहनी पर देखिए पास पास कितने फ्लावर आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने प्याज के रस डाले हैं। ये देखिए प्याज के छिलकों के रस से ही आप ये देखिए मेरी अपराजिता पर फ्लावर आने लगे। बहुत से कलर आने लगे हैं अब अपराजिता के, जैसा कि वाइट है, कुछ लाइट पर्पल है, आसमानी कलर का भी देखा है मैंने, और बहुत डार्क, ये मेरा लाइट पर्पल है लेकिन डार्क पर्पल जो कि डबल पेटल में आता है वो भी आने लगे हैं। तो मेडिसिनल प्लांट में देखिए, खूबसूरती में तो सभी प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेडिसिनल प्लांट में अपराजिता सबसे पहले आती है। आप इसके फूल को ऐसे ही चबा लें तब भी ये प्लांट्स फ्लावर आपको बहुत फ़ायदे देगा। और अगर आप इसकी ग्रीन टी बनाकर पीते हैं, कम से कम 6 से 7 ये फूल ग्रीन टी की तरह, यानी कि पानी में उबाल कर पियेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत रोगों से हमें छुटकारा भी दिलाता है। अब देखो चला सावन का महीना। देखिए सावन का महीना चल रहा है, सभी की एक इच्छा रहती है कि हम शंकर भगवान को प्रसन्न करें। तो देखिए पर्पल कलर का ये वाला फूल, ओनली पर्पल कलर का फूल शंकर भगवान को चढ़ाने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, ऐसा हम सबका मानना है। तो फ्रेंड्स, ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा महत्व है मेडिसिनल में भी, और भगवान शंकर को भी प्रिय है। तो कोशिश करिएगा हर कलर के साथ साथ ब्लू कलर सबसे पहले ऑप्शन में रखें, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदे और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर फूल नहीं आ रहा है तो भी आपके लिए और मेडिसिनल के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह से लगाइएगा। और अगर आपको अभी इस पर फ्लावर लेने हैं तो आपको क्या करना है कि इसके ये जो फ्लावर आए हुए हैं इनको रिमूव कर देना। अगर आप इनको रिमूव नहीं करेंगे तो इस पर फलियां स्टार्ट हो जाएंगी। फलियां स्टार्ट होने के बाद वो सीड स्पॉट में रेडी हो जाएंगे। इससे आपके प्लांट्स जितनी भी एनर्जी है वो फूल बनाने में नहीं लगाएगा। जैसा कि देखिए अभी तो बहुत सारे अभी इस पर फ्लावर आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे इसको तोड़ लूँगी। आज देखिए मैंने ये 2 फूल तोड़े हैं, अब मैं जाऊँगी शंकर भगवान की पूजा करने के लिए और ये वहाँ पर चढ़ा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना बहुत अच्छा सा तरीका। तो बाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।